हाँ जी, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन? बोलो, हाँ क्या आएगा? कर लो क्या? था मॉड एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो मॉड एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 3। मैं एक बार फिर भी इवनिंग में कंफर्म कर दूंगी आपको, ठीक है? मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया इसमें, क्योंकि इन दिस ऑप्शन आई एम गिवन दैट साइन आल्सो अलोंग विद, बट और किसी में नहीं गिवन है, तो आई विल कंफर्म इन द इवनिंग। इवनिंग में जो भी इसका प्रॉपर होगा वो मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 29। 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हाँ, 6x² प्लस 12 फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? तो करो, मैंने थोड़ा करना है, करोगे तो पता लगेगा। डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0, 2 एंड 1, ठीक है? इसके फैक्टर्स बन गए आपके 1 एंड 2। अब लेस देन 0 वाली कंडीशन है क्योंकि डिक्रीजिंग है, सो एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 2। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? अच्छा, एक ना ये रिजल्ट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इफ वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें हमें जो है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 वाली कंडीशंस बन रही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 बन रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन a जो है हम ले लेते हैं उसको। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो b² माइनस 4ac होगा दैट विल बी लेस देन 0। सेम वे में अगर आपका ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ये आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो, और इसमें a लेस देन 0 है, तो अगेन ये क्या इम्प्लाई करेगा? दैट b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ पे तीनों में लेस है, यहाँ पे ए और इसमें ग्रेटर है, बट b² माइनस 4ac आपका लेस देन 0 होगा। यहाँ ये इंप्लाइज यहाँ पे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, kx³ माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये कर दो इरेज। kx³ माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल, देन के इज लेस देन 3, के इज लेस देन इक्वल टू 3, के इज ग्रेटर देन 3 और के इज ग्रेटर देन -3। यानी कि के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल।
हर इंटरवल में ये इंटरवल में मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो. अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आएगा? एक तो के ग्रेटर देन जीरो, क्या कंडीशन थी? ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है दैट इज लेस देन जीरो. के पॉजिटिव हो गया, यहाँ से हमें पता लग गया कि के विल बी पॉजिटिव. और सेकेंड कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या आएगा? 36 माइनस, हाँ, 4k into 3 यानी कि 12k is less than 3, तो 36 is less than 12k यानी कि k is greater than 3 is your answer. अगला था, क्या था क्वेश्चन? है क्वेश्चंस हैं. अगला क्या था? के हो गए सारे. ए टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, और कौन सा कह रहे हो? लॉग बेस ए एक्स वाला. ओके, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लॉग बेस ए एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर इफ. बेस ए है और एक्स है, यही है ना. अब इसको हम क्या करेंगे? रीराइट करेंगे. ये बेस इधर बेस बन जाएगा, ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x. ये किया हुआ है आपने फिजिक्स में. अब इसको सिंप्लीफाई आगे करो. कैसे करेंगे? हाँ जी, डेरिवेटिव ले लोगे? हाँ जी, जैसे मर्जी कर लो. ऐसे भी डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हो. a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है? a टू द पावर x इनटू log a इनटू f ऑफ x, फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो दिस विल बी f डैश x, दिस इज इक्वल टू 1. यहां से f डैश x क्या आ गया आपके पास? 1 अपॉन a टू द पावर f ऑफ x इनटू log a. a टू द पावर f ऑफ x किसके इक्वल है? x के इक्वल, तो दिस इज 1 अपॉन x log a. क्या आएगी अब कंडीशन? हमें क्या निकालना था? नहीं, a की वैल्यू थी, दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r, रियल नंबर्स में ये इंक्रीज कर रहा है, तो इट मींस यू नीड नॉट चेक इट फॉर x, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए ये इंक्रीज कर रहा है. अब रेगी हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट a लाइज बिटवीन 0 टू 1, a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन 1 और a इज ग्रेटर देन 0. log a कहां से डिफाइंड होता है? ओके, तो फिर क्या आएगा? ऑप्शंस दोबारा सुनो. इट ए लाइज बिटवीन 0 टू 1, ए इज ग्रेटर देन 1, ए इज लेस देन 1 और ए इज ग्रेटर देन 0. और ऑप्शन बी इसका आंसर है, ए ग्रेटर देन 1. नाउ यू विल टेल मी व्हाई ए ग्रेटर देन 1. It is defined on all real numbers. Function is increasing for all real numbers. Jaldi se. Online students can also answer, bete. Vanshika, Sia. Be quick, bell is about to go. Avi, Arushi, Manviya, Rohan, Shubhi, you can answer. Pavan,
जिनके नई नेम्स लिए दे कैन ऑल्सो आंसर। हाँ जी बी क्विक बच्चे। हाँ जी क्योंकि ये हाँ तो दिस शुड बी ग्रेटर देन वन। क्यों यहां ये बेस में है। हाँ जी अविश कैन यू एक्सप्लेन किसने बोला क्या बोला। वाई ये पढ़ा है कहीं आपने। डेसिमल में नहीं हो सकता वो ठीक है तो इट शुड बी ग्रेटर देन वन। तो वहां पे वो डेसिमल में नहीं आएगा। ए ग्रेटर देन वन अगर आपने कह दिया तो वहां वो डेसिमल में नहीं बनेगा। मैंने कुछ कंफ्यूज नहीं किया। यू गेव मी द आंसर उसके आगे मैंने फर्दर क्वेश्चन पुट कर दिया आपको। नो कहने को आप जेई की तैयारी कर रहे हो और मेरे से पूछ रहे हो कि मैम ये कौन सा है। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर लिया हुआ है मैंने जेई वाला नहीं उठाया हुआ। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके देन सो ए शुड बी ग्रेटर देन वन ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन अभी वन मिनट है वी कैन डू इट क्विकली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस इज ये तो हो गया सच नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर फॉर हाँ जी बिल्कुल बनता है। ले सकते हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यू कैन। जिनको नहीं याद होता फिर उनके लिए बताना पड़ता है ठीक है। जिनको डायरेक्ट याद है कि दिस कैन बी रिटन इन दिस वे तो यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट वन। अब ये इस पे आ जाओ वापस जल्दी से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर इफ ए टू द पावर एक्स हाँ 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 अगेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर इफ। अब एक्स की वैल्यू जो मर्जी हो दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो तो इट मींस जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका साइन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है ए पे। तो ए शुड बी ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन सेम इसकी तरह ही लॉग की फॉर्म में आ गया ना ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो टुडे।